अपनी बात कहना चाहूंगी कि कल हमारी आंख में काजल न होता, कल हमारी आंख में काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। आने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, खुल के हंसने का मौका मिला, ये मैं यही दुआ करती हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे आके। अच्छा, आज महिलाओं के चेहरे पर आपने जो मुस्कुराहट देखी है तो आपकी तरफ से थोड़ा सा गुनगुना दीजिए कुछ। जी बिल्कुल, मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी, सुनिएगा। अच्छा, मेरे दम से घर में रौनक है, मेरे दम से घर में रौनक और जमाना हमीं पे हंसता है। इंडिया का पहला वो है मुशायरा है जो सिर्फ खातिन के लिए मुनाकिद किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आज के जो मौजूदा हाल जो है, आज की जो खोखली सरकार है, जो परेशान हर एक, मतलब कहीं पर भी कोई एक इंसान भी ये नहीं बोल सकता है कि मैं आज हिफाजत से हूँ, तो ये आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रोग्राम का एक मकसद होता है, उसी मकसद के तहत आज भिवंडी शहर के PVR सिनेमा के अंदर जो मुशायरा किया गया, ये मुशायरा सिर्फ औरतों के लिए किया गया था और जिसके एजाज में किया गया था वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, और प्रोफेसर वहीदा हफीजुर रहमान सर, इन्हीं के एजाज में आज का ये मुशायरा यहाँ किया गया था, वो भी सिर्फ औरतों के लिए। हालांकि देखा जाए तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और एक अलग अंदाज था प्रोग्राम को करने के लिए। आज का ये प्रोग्राम आपके एजाज में किया गया था, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मेरा अवार्ड, ये मेरी पढ़ाई भी तालिबा थी, ये खुद भी मेरी तालिबा रही हैं, और कभी मैंने तदरीसी ज़िंदगी में इंक्रीमेंट, तनख्वाह, वक्त देखा ही नहीं, बस एक जुनून था इस पेशे में और उस जुनून ने मुझको यहाँ तक पहुँचा। और उर्दू की रोटी खाई मैंने और अपने बच्चों को उर्दू मीडियम ही में पढ़ाया, और यही उर्दू है जिसने मुझे आज यहाँ ला खड़ा किया। उर्दू ज़िंदा थी, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी, और इस बात का मुबैन सबूत आज का मुशायरे ने दे दिया। और ख़वातीन जिस तादाद में यहाँ आई थी, और उसमें 80% बच्चियाँ जो है वो मेरी मोहब्बत में आई थी, और मुशायरा अपनी नौयत का था इसलिए भी सब शामिल हुए, क्योंकि ये माशरा कुछ बुरका पोश खवातीन का है, तो उस माशरे के मद्देनज़र ये प्रोग्राम रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। सिंफ नाजुक का मुशायरा सिंफ नाजुक के लिए, सिंफ नाजुक के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग जो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजकर अपना घर बनाने की सोच रखते हैं और अपना घर बनाने लगते हैं, मगर टीचर चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, उनके बच्चों को बनाने की कोशिश करते करते अपनी वो ज़िंदगी पूरी कर लेता है, यही कहानी टीचरों की है, यही कहानी चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, सभी टीचरों की यही कहानी है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को सम्मान तो समाज में मिलना ही चाहिए, बकिया बातें होती रहेंगी। हमारी बहुत ही मददगार है हमारे प्रोग्रामों में, नाते मुकाबलों में। मैं नाम जानता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि ये खुद से अपना नाम बताएं दर्शकों को। साथ ही आज टीचर डे के मौके पर भिवंडी शहर के PVR सिनेमा के अंदर औरतों के ताल्लुक से एक बड़ा खूबसूरत मुशायरा रखा गया, इसमें बाहर से कई शायरात पहुँची, भिवंडी शहर की शायरात भी रहीं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज का ये प्रोग्राम था टीचर डे के मौके पर, क्योंकि आप टीचर हैं, तो आपको कैसा लगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम अंसारी रूही मोहम्मद सालिक है, मैं BNC MC स्कूल नंबर 68 की एक माविन मौलिमा हूँ। और जैसा कि आज 5 सितंबर है, यौम असातिज़ा का दिन है, और ये दिन सचमुच में बहुत ही अहमियत का हामिल है, और इस दिन की खिदमत हमारे टीचर्स की एतराफ़ में जो की जाती है कोशिशें और प्रोग्राम्स, जितनी भी मैं इसकी तारीफ करूँ कम है कि एक दिन टीचर का नहीं होता है, वो तो पूरी ज़िंदगी अपनी लगा देता है अपने तलबा को बनाने के लिए, लेकिन जो एक दिन होता है उसकी मेहनत,
उसकी काविशों को सराहा जाता है, जो बच्चों पर अपनी खिदमात को अंजाम दे रहा है उसको बताया जाता है, तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक पहले मौलिम थे उनसे तरगीब पाकर हम लोग आज टीचर्स हैं और हम बच्चों की खिदमत कर रहे हैं और एक मुस्लिम कौम को एक जिंदा हम जावेद हस्ती बनाना चाहते हैं। और हम अपने बच्चों की तरबियत जिस तरह से भी कर रहे हैं, दामे दिरमे कदमे सुखने, अल्लाह ताला हमारी खिदमत को सच के दिल से कबूल करे और हमारे पेशे को अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजे और हमें दुनिया की और आखिरत की कामयाबियां नवाजे और बुलंदियां नवाजे। बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं बनारस की वो सुबह और मेरे शहर की ये शाम। मेरे साथ में विभा शुक्ला कवित्री हैं और भिवंडी पहली बार नहीं आई, इसके पहले भी आई हैं। आज उनसे जानेंगे कि आज का ये जो दिन था, शिक्षक दिवस है आज जी, इस मौके पर महिलाओं के लिए सिर्फ एक मुशायरे का एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो भिवंडी आकर आपको कैसा लगा इस प्रोग्राम में? बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद से ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं अंसार गुरु जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मंच के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। और जब ये बताया कि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही सुनेंगी और कोई जेंट्स अलाउ नहीं होंगे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। सबके खिलखिलाते हुए चेहरे आज मैंने जो देखे ना, तो मैं मन से भी बोल रही थी कि बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सबको देख के हम भी चार्ज हो रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि अंसार जी इस तरह का मुशायरा इस भिमंडी में जो कराए हैं ये काबिले तारीफ है और हर साल ऐसे ही मुशायरा ऑर्गेनाइज हो जिसमें सिर्फ महिलाओं की एंट्री हो, ताकि वो घर में रहते रहते जो बोर हो जाती है तो इस बहाने उनको आने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, खुल के हंसने का मौका मिला। ये मैं यही दुआ करती हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। अच्छा, आज महिलाओं के चेहरे पर आपने जो मुस्कुराहट देखी है तो आपकी तरफ से थोड़ा सा गुनगुना दीजिए कुछ। जी बिल्कुल, मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी, सुनिएगा। मेरे दम से घर में रौनक है, मेरे दम से घर में रौनक और जमाना हमी पे हंसता है, खुद गरज तो नहीं गरज इससे, कौन हंसता है कौन रोता है। थैंक यू। आइए अगली कड़ी में बात करते हैं दानिश गजल। अब दानिश माने तो अकलमंद होता है और जब बात गजल की आ जाए तब तक तो आज का शिक्षक दिन है, टीचर डे है आज, और इस मौके पर सिर्फ औरतों के लिए आज का मुशायरा और इसमें आप मेहमान खुसूसी शामिल हैं, तो कैसा लगा ये प्रोग्राम आप? मुझे बहुत अच्छा लगा और इस तरीके के मुशायरे होते रहने चाहिए, और क्योंकि आजकल के हालात तो आप सबके सामने हैं, बेटियां हर फील्ड में बहुत आगे हैं और होना भी चाहिए, लेकिन हम सब लोग अगर बेटियों को पढ़ाएंगे और उनको हौसला देंगे तो शायद माहौल बदलेगा। आजकल के हालात जैसे आप देख रहे हैं बेटियों के हवाले से नए नए वाकई हादसात हम सबके सामने आते हैं, तो बस ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और यकीनन इस तरह की महफिलों में आना अपने आप में खुशनसीबी होती है और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आज इस महफिल का हिस्सा रही हूँ। और आज का दिन वाकई बहुत कीमती दिन था क्योंकि योम असातिज़ा का आज का दिन था, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप मेरठ से आए हैं, तो आज जो आपने यहाँ की जो औरतें हैं उनके चेहरों पर अलग से एक मुस्कुराहट देखी होगी, तो थोड़ा सा उनके लिए गुनगुना दीजिए भले ही एक मित्र से। क्योंकि मैं भी एक तालिबे इल्म भी हूँ और कह लीजिए एक छोटी सी अदना सी टीचर भी हूँ, एक डिग्री कॉलेज शताक्षी एजुकेशन ऑफ कॉलेज मेरठ में मैं उर्दू लेक्चरार की हैसियत से वहाँ पे पढ़ाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने लोगों में बैठना, अपने लोगों में पढ़ना, अपनी बात रखना, और मैं खुद एक बेटी हूँ हिंदुस्तान की, तो बेटियों को के बारे में अच्छी बातें करना, उनका हौसला देना, तो उनकी बातें करना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और चार मिसे मैं पढ़ना चाहूँगी कि आजकल के हालात घर से जब जब तुम अपने निकल कर चलो, रास्ते कांटे सब रास्ते के कुचल कर चलो,
हाल अच्छा नहीं है जमी का अभी, इसलिए तुम बहुत ही संभल कर चलो। बस यही पैगाम देना चाहती हूँ अपनी बहनों को, अपनी माओ को। और बहुत नमस्कार, आदाब, आइए बात करते हैं। आज टीचर डे है और भिवंडी शहर के पीवीआर सिनेमा के अंदर आज सिर्फ औरतों के लिए एक मुशायरे का इनेकाद किया गया था और उस मुशायरे के जिम्मेदार इस वक्त मेरे साथ में एडवोकेट सुमैया शुजाउद्दीन अंसारी साहिबा मौजूद हैं। सुमैया साहिबा, आज का ये प्रोग्राम तो एकदम अलग प्रोग्राम था, सिर्फ औरतों के लिए। इतनी सारी औरतों को जमा करना और इन्हें संभाल कर चलना और प्रोग्राम को बड़ी खूबसूरती से खत्म किया गया, आज के इस प्रोग्राम के बारे में और यौम असादिज़ा के मौके पर ये प्रोग्राम था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इस प्रोग्राम में कैसा है कि मेरे पीछे और बहुत सारे लोगों ने भी साथ दिया और सारी माओ बहनों बेटियों का मैं बहुत शुक्रगुजार अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आया और बहुत सब्र तालमाम से सुना भी उन्होंने। हालांकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी रहते हैं माओ बहनों पर, फिर भी वो उन्होंने आए और उनके जो शौहर लोग हैं वो सारे शौहरों ने भी उनको इजाज़त दी और अल्हम्दुलिल्लाह से ये मुशायरा काफ़ी कामयाब रहा। और ये इंडिया का पहला वो है मुशायरा है जो सिर्फ ख्वातीन के लिए मुनाकिद किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आज के जो मौजूदा हाल जो है, आज की जो खोखली सरकार है, जो परेशान हर एक, मतलब कहीं पर भी कोई एक इंसान भी ये नहीं बोल सकता है कि मैं आज हिफाजत से हूँ, तो ये एक तरह का एक मकसद भी था कि यहाँ ये चीज़ को हम लोगों तक पहुँचा सकें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी एक कमज़ोर इंसान से ही इनकलाब की शुरुआत होती है। तो हमें कमज़ोर बेबस समझने वाले भी यही लोग इनकलाब की अब शुरुआत करेंगे और यहीं से हमारा सब बदलेगा और यहाँ से ही जब सरकार बदलेगी, जब सब सही होगा, तो हर एक माँ बहन बेटी की हिफाजत रहेगी और ये हमारा देश बहुत अच्छी तरह से चलेगा। अच्छा, भिवंडी शहर की राजनीति में आपका नाम आ रहा है कि आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होगा तो आप उसमें हिस्सेदारी लेंगे, हिस्सेदारी करेंगे? जी हाँ, मेरा है, मैं असेंबली हाल कलम नंबर 136 से मैं बड़ा है लेकिन ये है कि पूरी उम्मीद करती हूँ और अगर मैं जब भी खड़ी होंगी तो मैं अपने जितने भी बेबस और कमज़ोर लोग और आज जो पावर की समस्या है, जो पावर लूज, जो कि भिवंडी की जो एक बेसिक चीज़ है, वो जब ख़त्म हो जाएगी तो हम भिवंडी वालों का क्या होगा। हर एक छोटे छोटे जो गरीब घराने हैं वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह का कुछ हो। तो मैं पहले पावर के लिए, अगर मैं जब भी कभी इस तरह से अगर मैं इलेक्शन में सेलेक्ट होती हूँ और मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले मैं पावर के ऊपर कदम उठाऊँगी। फिर उसके बाद पानी की समस्या ऐसी है कि आज आप नल खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर लिटरली ब्लैक पानी आता है, इतना गंदा रहता है कि इंसान उसको नहाने के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो उस चीज़ की समस्या को दूर करूँगी। और तीसरा जो है, बहुत सारी जगह वुमेंस प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, वो क्या बोलते हैं अपना वकीलों का, टीचर्स का, कोई भी, मतलब आज बहुत सारे एक्ट की ज़रूरत है। तो जब मैं यहाँ से उठती हूँ और अगर वहाँ पार्लियामेंट तक जाती हूँ तो वहाँ पर मैं कई नए कानूनों को लेकर आ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ और मुझे समझ रहा है कि कहाँ किस तरह से वो कानून को अमेंड करना चाहिए। इसी तरह से मैं हर चीज़ के लिए लोगों को जागर करूंगी और औरतें जो पीछे रह गई हैं आज के टाइम, उनको पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आगे लेकर आऊँ। हर कोई, मर्द भी साथ में रहे, औरतें भी रहे, जब हम सब पूरे भिवंडी वाले मिलकर हम वहाँ पर जाकर कहीं पर भी नारा लगाएं और वहाँ पर जो भी गलत हो रहा है और अगर हम उसको एक जगह भी रोकने में कामयाब हो गए तो समझ लो हम भिवंडी, पूरी भिवंडी वालों की जीत, ये सिर्फ अकेली मेरी जीत। एक छोटा सा सवाल है, आपका जो घराना है यानी आपकी जो ससुराल है ये कांग्रेसी घराना रहा है एक ज़माने से जी, तो आने वाले दिनों में क्या आप कांग्रेस से उम्मीदवारी कर रही हैं या इंडिया अलायंस से? जी, मैं कांग्रेस से ही करूँगी, मैं हमेशा से कांग्रेस की रही, मेरे पूरा घराना वही से रहा है और मैं हमेशा वही से ही चलूँगी, कांग्रेस से ही चलूँगी मैं। राहुल गांधी, हर एक छोटा मजदूर हो कि कोई आम इंसान हो, कोई बड़ा,
उनको उससे कोई नहीं है, उनको जात पर से भी पार्लियामेंट में उनको बेइज्जत किया जाता है, पर वो पीछे नहीं हटते, वो हर एक के लिए खड़े होते हैं। तो ये सरकार, ऐसी सरकार आना चाहिए, एक ऐसा इंसान जो हम आम लोगों के बीच में खड़ा हो और हम आम लोगों की बात सुन सके, ऐसे लोग को हमको नहीं, ऐसी सरकार लाना पड़ेगा। और ऐसी हमें भी अपने आप को इस तरह से बनाना है कि आम लोगों के बीच में बहकर हमें ये सब करना पड़ेगा। शुक्रिया। तो ये थी एडवोकेट सुमैया शुजाउद्दीन अंसारी, जिन्होंने बात की हमसे और बताया कि औरतों को यानी महिलाओं को ताकतवर होना ज़रूरी है। मैं खान पकड़ा।